दोनों राज्यों को जोड़ने वाले तुमसा बालाघाट मार्ग को अंतर्राष्ट्रीय मार्ग का दर्जा मिला है, जिसका खूब प्रचार प्रसार भी हुआ। लेकिन पिछले 2 साल से इस मार्ग का इस्तेमाल करने वाले ग्रामीण इस स्थिति से जूझ रहे हैं। फिर कई दिनों बाद इस रास्ते का काम शुरू हुआ, लेकिन वो भी आधा। यह मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को जोड़ने का तरीका है, लेकिन इस मार्ग की चौड़ाई बहुत कम है, जिसमें उन्हें सफर के दौरान काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पक्की सड़क के किनारे की ऊंचाई बढ़ गई थी, जिसमें कोई वाहन नीचे जाने पर चढ़ते समय दुर्घटना का शिकार हो जाता है। इससे क्षेत्र में जनप्रतिनिधियों की नाकामी साबित हो रही है। हरदोली की विवाद समाधान समिति के अध्यक्ष और सामाजिक कार्यकर्ता बालू कात्रे ने यह आवाज उठाते हुए कहा, सपने देखना बंद करो और अब लोगों की जिंदगी से मत खेलो। जनप्रतिनिधियों द्वारा ऐसी समस्या की अनदेखी की जा रही है। राज्य मार्ग का काफ़ी खस्ता हालत थी पिछले 10 वर्षों में, इस रोड का कोई काम नहीं हुआ। अभी जो काम हुआ है वो काम होने से भी, यानी काम होने के पहले भी यहाँ बहुत सारे एक्सीडेंट होते थे, अभी काम होने के बावजूद भी यहाँ पे बहुत सारे एक्सीडेंट हो रहे हैं। काफ़ी खस्ता हाल में ये रोड थी, बीच बीच में रोड का काम किया गया। काम करने के बाद में जो रोड की साइडिंग रहती है उसको, साइडिंग को मुरम से फिलअप किया जाता है, वो फिलअप न होने से आए दिन इस रोड पर दुर्घटनाएँ होते रहती है। पिछले 2 दिन पूर्व इसी जगह पर एक डीजे की गाड़ी पलटी हुई, गाड़ी सीधी करने के बाद में रात में 4 दोपहिया वाहन चालक यहाँ पे गिर गए, इसके लिए दोषी लोगों पे कार्रवाई होना चाहिए। तुमसर से BCN न्यूज के लिए जितेंद्र पटले की रिपोर्ट।